जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जानना चाहते हैं संपूर्ण जानकारी, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यात्रा पर बनने वाला रोपवे जो की कटरा से सांझी छत भक्तों को लेकर जाएगा, क्या वो शुरू हो चुका है बनना। बात करने वाले हैं कितनी भक्तों की भीड़ आ रही है, साथ ही हम बात करने वाले हैं कैसे यात्रा पर भक्तों को दर्शन हो रहे हैं, क्या यात्रा पर आप भक्तों को स्नोफॉल मिलने वाली है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हाल ही में श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी ने बताया कि श्राइन बोर्ड ने अब एक फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है एक कंपनी के साथ में, जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर नया रोपवे बनाने के लिए जा रही है। ये रोपवे माता रानी के भक्तों को सीधा कटरा से सांझी छत तक लेकर जाएगा, जहाँ पर इस समय हेलीपैड स्थित है, जहाँ पर भक्तों को इस समय हेलीकॉप्टर उतारता भी है। यहाँ से भक्तों को माता रानी के भवन की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर ही देखने को मिलने वाली है, जिससे न सिर्फ यात्रा करने में काफी आसानी होगी, साथ ही भक्तों को यात्रा करने में समय भी बहुत ही कम लगने वाला है। आप भक्तों बता देना चाहता हूँ, लगभग 200 करोड़ की लागत से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बनने जा रहा है, जो कि लगभग आने वाले 3 से 4 साल में बनकर तैयार भी हो जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि क्या यात्रा पर स्नोफॉल होने वाली है और मौसम कैसा रहने वाला है। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, माता रानी की पवित्र यात्रा पर जनवरी महीने से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्नोफॉल भी बीच बीच में हो रही है। हालांकि मार्च महीने में यात्रा पर कभी भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिला करती थी, परंतु इस साल ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्च महीने में भी स्नोफॉल यात्रा पर हो रही है। आप यात्रा पर जाएंगे तो ठंड के कपड़े अच्छे से लेकर जाएं, जिससे कि आप भक्तों को परेशानी कम से कम हो। बात कर लेते हैं यात्रा पर सुविधाओं की, तो आप भक्तों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि यात्रा पर सभी सुविधाएं निरंतर चल रही है। हालांकि बात करें हेलीकॉप्टर सेवा की, तो मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर सेवाएं कई बार नहीं चलती है, क्योंकि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाता है। ऐसे में भक्तों को टिकट का तो रिफंड मिल जाता है, परंतु उन्हें यात्रा या तो पैदल या फिर घोड़े गज्जब पिट्ठू पालकी से करनी पड़ती है। उसके अलावा बैटरी कार, रोपवे की सुविधा, घोड़े गज्जब पालकी की सुविधा तो निरंतर चलती रहती है। भक्तों की जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर अगर आप चाहते हैं तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन भी होने वाले हैं। माता रानी की पवित्र यात्रा पर प्राचीन गुफा जनवरी 14 से लेकर होली के दिन तक खुलती है। इस साल होली की बात करें तो लगभग 21-22 तारीख तक होली चलने वाली है, जिसके बाद यात्रा पर प्राचीन गुफा के कपाट इस साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, फिर अगले साल 2025 में कपाट खुलेंगे। आप भक्तों को ये भी बता देना चाहता हूँ, ज्यादातर देखा जा रहा है कि सुबह 10-11 बजे के आसपास में ज्यादातर गुफा के कपाट भक्तों के लिए खोले जा रहे हैं, परंतु रात के समय काफी ठंड बढ़ने के कारण कई बार श्राइन बोर्ड रात में गुफा के कपाट नहीं भी खोलता है। तो कहीं ना कहीं इस जानकारी के बल पर आप यात्रा पर जाने के बाद में प्राचीन गुफा से दर्शन कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही ये भी बताना ना भूलें आप यात्रा पर कब जाने वाले हैं। पहले ही दर्शन कर चुके हैं तो अपना अनुभव भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर मार्च महीने में आते हैं तो कितनी भीड़ आप भक्तों को देखने के लिए मिलेगी, क्या यात्रा पर आपको रुकने की सुविधा अच्छे से मिल सकती है डोरमेट्री या फिर रूम की। भक्तों बता देना चाहता हूँ, लगभग रोजाना 15 से 20 हजार भक्तों की भीड़ मार्च महीने में देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें रूम और डोरमेट्री की सेवा की, लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाइन पहले ही फुल हो चुकी हैं। तो ये चीज तो साफ है कि आप यात्रा पर जाएंगे तो आपको बहुत आराम से रूम और डोरमेट्री की सुविधा तो नहीं मिलेगी, परंतु आप ऑफलाइन बुकिंग ट्राई कर सकते हैं कटरा के निहारिका भवन से, जहां से आपको लगभग सुबह 6 बजे बुकिंग मिलना शुरू हो जाती है, परंतु उसके लिए भी लंबी लंबी कतारें लग जाती है कटरा में। ऐसे में मेरा मानना है अगर आप ऑफलाइन बुकिंग ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर निहारिका भवन में सुबह 4-5 बजे तक पहुंच जाएं, तब कहीं जाकर आपको भवन या फिर अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में रुकने की व्यवस्था मिल सकती है, डोरमेट्री या रूम की व्यवस्था मिल सकती है। अंत में बात कर लेते हैं यात्रा पर दर्शन करने में कितना समय लग रहा है। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में लगभग दर्शन करने में 5 से 6 घंटे की वेटिंग देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें भवन की, तो भवन पे भक्तों को दर्शन करने में मात्र 15 से 20 मिनट का ही समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भक्त यात्रा पर जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के और दर्शन भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बताना ना भूलें आप यात्रा करने के लिए कब जाने वाले हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोजाना ताजा तस्वीरें, पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।